नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रानीखेत के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए, बीकॉम और बीएससी में प्रवेश के लिए कुल 506 पंजीकृत छात्र और छात्राओं की मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है। आपको बता दें, महाविद्यालय में नेट प्रत्यायन प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट तैयार करने और प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करने में देरी हुई थी, लेकिन अब मेरिट लिस्ट तैयार करके महाविद्यालय के सूचना पट में चस्पा कर दी गई है। साथ ही महाविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट में भी अपलोड कर दी गई है। आपको बता दें, सत्र 2023 और 24 में बीए, बीकॉम और बीएससी में प्रथम सेमेस्टर में प्रदेश भर के समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से 31 मई 2023 से 2 जुलाई 2023 में पंजीकरण करवाया गया था। वहीं अब बता दें, कुल 506 पंजीकृत छात्र और छात्राओं में से 33 छात्र और छात्राओं को उनके इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम वेटिंग होने के कारण या पंजीकरण के समय परीक्षा परिणाम साफ रूप से नहीं दर्शाने के कारण प्रथम मेरिट लिस्ट में सम्मिलित नहीं किया जाया है। साथ ही अन्य सभी 473 छात्र और छात्राओं को मेरिट लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। वहीं आपको बता दें, समर्थ पोर्टल से प्राप्त डेटा के अनुसार बीए में सर्वोच्च मेरिट इंडेक्स 1116 है, बीकॉम में 1031.6 है और बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में 1111 है और बीएससी मैथ्स ग्रुप में सर्वोच्च मेरिट लिस्ट इंडेक्स 1123 है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रथम मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त कर छात्र छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया 13 जुलाई 2023 से शुरू की जा रही है, जिसके लिए सभी छात्र और छात्राओं को अपने समस्त प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय के विभिन्न प्रवेश समितियों की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उनके साहसी प्रयास को रोकने के लिए कानून की अवहेलना कर उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर अपनी गलत मंशा को जाहिर कर दिया है। इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गांधी पार्क रानीखेत में एक दिवसीय मौन सत्याग्रह रखा गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार देश के अंदर कुशासन चला रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश रच रही है। जो भगौड़े हैं, देश को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाकर चले गए हैं, उन पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। अकेले राहुल गांधी ने जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, अडानी और अंबानी के खिलाफ बोला, तो तुरंत 1 महीने में उन पर कार्यवाही कर दी जाती है। ऐसी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है। भरपूर समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज हम लोग जो यहाँ पर बैठ रहे हैं, जो मौन हम लोग भी लेंगे, उसका मुख्य कारण यह है कि विपक्ष द्वारा, यानी कि बीजेपी द्वारा, जो हमारे सांसद राहुल गांधी जी के साथ ये एक तरफा जो कार्रवाई की गई है, उनकी 2 साल की सज़ा, उनकी लोकसभा की सदस्यता को ख़त्म कर देना, तो उसमें हमने जो है नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा, महिला जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा और आपके। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।